टावर बड़ा होशियार है। माठ साहब रात्रा जागरण में गया, सुबह क्लास में नींद लेवा, छोरो उबो वेर कियो, माठ साहब गवर्नमेंट तिनका नींद ले उनकी कौन दे, सवाल गालो, सवाल गालो। माठ साहब गालियो सवाल, छोरा उबो वेर उत्तर बता दियो। छोरा कियो एक और गालो। माठ साहब जीव सवाल गाले, छोरा उत्तर बतावे। माठ साहब परेशान होगा, कियो रे थाने जेड़ो सवाल गालू जेड़े उत्तर बताओ ते, अब गाले एड़ो सवाल गालू थारी हाथ पीटी को नहीं आवे। हाँ माठ साहब वोट माते सवाल लिखियो, बच्चों बताओ जोधपुर से रोहिणा की दूरी 314 किलोमीटर है, मेरी उम्र कितनी है? अब रोहिणा जोधपुर 314 किलोमीटर, मेरी उम्र कितनी है? छोरा उबा भैया टेंशन बढ़ गो, छोरा रे जोधपुर रोहिणा 314 किलोमीटर मां सारी उम्र उत्तर यू की कर गलियो पर्सन हो किलोमीटर उम्र उकाई लेने देनो। अब डिलीवरी को हेडक माते दी कोने, और यहां की कर पर्सन गलियो, छोरो उबा वेर कियो मां साहब ठोका पिंजर नहीं करो देना, उत्तर हूं बताऊं थारो, थारी उम्र कितनी है? बोले बता। छोरो उबो वेर कियो, थारी उम्र बराबर 40 साल। 40 साल को नाम लियो और मां सारे टेंशन बढ़ गो, कह तो बेटो आधार कार्ड देख लियो, यार के फेसबुक री चैटिंग देख ली। 40 साल बराबर की कर बताई, सही बता, क्यों सूत्र लगायो? और पर्सन उत्तर कटू लायो, वो छोरो कहे सूत्र लगाया कोई बात क्यों जरा क्यों मार साहब, मारे गाँव में एक श्री गोपाल नाम रो छोरो है, बीकी उम्र है 20 साल, यार वो है मात्र आधो खराब है, थे लगा मैंने पूरा खराब 20 × 2 बराबर 40 लगाया हूँ सीधा, थाने के लेने देना उम्र किलोमीटर हो, एरा कोई पर्सन गा लीजिए, क्या बेटो छोरो उबो वेर कियो, मार साहब रुको रुको, बोले कहीं इतना दिन तो पर्सन गालता थे, अब पर्सन गा ली बंदो थे देवो उत्तर। छोरो उबो वेर कियो, मार साहब बताओ दुनिया में कई चीज है जिसकी खांचे जी छोटी हुए, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया की खांचे जो छोटी हुए? मार साहब की राड़ी ने खांचा तो टूट जावे, बंदरा ने खांचा तो बदे, रबड़ खांचा तो बदे, पर दुनिया में कई चीज है खांचे जो छोटी हुए? मार साहब दिमाग खराब है वो, मार साहब अटी उठी पासबुक देख ली, मोबाइल देख लियो, फेसबुक देख ली, व्हाट्सएप देख लियो, चेरू मेर भैगनाइता ने पूछ लियो, पर मेरा उत्तर कौन ला दो? छोरा ने क्यों रे बतरे तो नहीं ठा मने, छोरो क्यों मार साहब दुनिया में एडी चीज है खांचे जो छोटी हुए? बाहे बीड़ी जो खांचे जो जल्द जल्द नेड़ी आवे। हाँ बच्चा बड़ा होशियार वे, आजकल रा टाबर वे बहुत टैलेंट दिमाग में आरो, क्योंकि भगवान थारा संस्कार बहुत बढ़िया है। रात्रि 12 बजे थे जागरण में बैठा हो, बाकी थारी उम्र में तो मैं आई थे हमारा खेड़िया थकन की उड़ा, और समय आज देख लो, अबे बाजिन जी बराज कद दिया उन समय की बात, आज की बात उन समय निकले, इतो संता ने ज्ञान वे को अनुभव हो के पापरो पोरो आवेला, लोग हाड़ा ने रात्रि 2 बजे हलवो जिमावेला, यार बाप ने उगड़ो होगड़ो ही नहीं खाड़ेला, वो समय आ रही हो। आज पिताजी माताजी री बहुत बुंडी दशा है, अभी आपने देखा होगा 2 महीने पहले एक की बात है, 1 मई के, हाँ 1 मई का सुबह के अखबार में थी, भास्कर की खबर है, राजस्थान की खबर है, भास्कर की दैनिक भास्कर के दूसरे तीसरे पृष्ठ की खबर है, 1 मई राजस्थान में एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जरा 2 बेटा और भी अपना बेटा ने बहुत पढ़ाया बहुत लिखाया, एक बेटा ने बहुत बड़ा डॉक्टर बनायो जो अभी जयपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और एक बेटा ने वकील बनायो, एक बेटो डॉक्टर बनयो, एक बेटो वकील बनयो, और भी अपनी औलाद ने बहुत पढ़ाई लिखाई संस्कार दिया, लेकिन समय इतो बारे खिलाफ चाले हो। आज वो व्यक्ति जयपुर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा है, ये हालात है उस व्यक्ति के, हमरा उस व्यक्ति के ये हालात है कि वो आदमी खुद जरा 2 बेटा एक वकील एक बहुत बड़ा डॉक्टर जगह बाप जोधपुर का प्लेट भर मत भीख मांग रही है, ये हालात है माँ बाप की। अब बताओ किताब मैंने पढ़ाया वेला, कटू मारे वास्ते धन लायो वेला, कटू मारे वास्ते फीस भरी वेला, कटू मारे वास्ते कपड़ा लायो वेला, भी बाप ने कितनी उम्मीद ही कि मोटा वेला मैंने बुढ़ापा में रोटी दे वेला, लेकिन आ उम्मीद को नहीं कि रेलवे स्टेशन में मैं कटोरो लियोड़ो भीख मांगूला, लेकिन एड़ा कोई गौ भक्त जागिया और उन पिताजी ने वरदान आश्रम में ले जा सुपुट करियो, ये 1 मई की बात है, ये राजस्थान के हालात है। अब देख लो राजस्थान रहा है हालात है जन गंवारा, तो थोड़ा दिनों बाजी पलटने वाली है, इस वास्ते अब हमल जाओ, ज़्यादा समय आंतरों नहीं है, बहुत कम समय में ये समय अपने घर में घुसने वालों है, अपने बच्चा में संस्कार रखो, अपने टाबरा में संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, बहुत बड़ा मिनक बनाओ, लेकिन संस्कार मत गमाओ, संस्कार गम गया उन दिन रोटी भी जिमनी अपने हाथ में को नहीं है।
तोड़ेला धर्मरी पाल जोड़ेला पाप को साड़ा न्यूत जिमाई धको देवे बाप को चढ़े परणीरी भीड़ गाड़ देवे बहन को। आज अपनी बहन ने कूड़ो बोल जावे आदमी अपनी लुगेरी पक्ष लेवे और अपनी औरतरे कारण अपनी जमन जाई बहन जगी राखी बांध अपना भाई कनो ऐसो रक्षा सूत्र को वचन मांगे उन वो भाई अपनी बहन ने कूड़ो बोल जावे। तोड़े धर्मरी पाल और अपनी धर्मरी पाल लोग तोड़ रिया है। आज घना गांव में जावा घना गांव मारे कने हमचार आवे साहब मारे गांव में 200 बीघा गौचर ही लेकिन अभी 20 बीघा भी कोन बची। घना गांव में जावा के मारे गांव में 1000 बीघा गौचर ही अभी 3 बीघा भी कोन बची। तो बाने भी मारो निवेदन है और घना लोगों ने निवेदन कर कर मैं लगभग 2.5 साल में 19,500 बीघा गौचर छुड़वाई राजस्थान की 19,500 बीघा गौचर और घना गांव में लोग छोड़ रिया। और नी छोटी जगह ने मारो निवेदन है कि आपका 50 बीघा खेत में भी यदि गाडो नहीं भरीजियो तो 3 बीघा गौचर को खूनो दाबणो गाडा कौन भरीजेला। कई लोग सुने कई बाने हमचार भी वेला कि यदि आपका माँ बाप 50 बीघा जमीन का धनी बनाया और 50 बीघा में थारो गाडो खाली रह गो तो गौचर दाबणो गाडा कौन भरीजे। बारा गाडा उलता रही बारा गाडा आधा हो जाए पर पूरा कौन भरी जाए क्योंकि जो गौ माता की है वो गौ माता की रहेगी। के तो समराया वीजा लिख भेज नहीं तो संदेश नेणा में आंसू बरसे जीव सावन बरसे में पापी पुन नहीं कर सके पापी पुन नहीं कर सके करे न करवा दे कबीर अड़वो खेत को खुद खावे न खावन दे। देखो एक अड़ुआ है पापी आदमी अड़ुआ जड़ो खुद दान नहीं देवे पड़ोसी ने खूनी री ठोकर के ही मत है। खुद 100 रुपया नहीं दिया 50 रुपया नहीं दिया 10 रुपया नहीं दिया कभी गाय ने डोको नहीं दियो कभी कुत्ता ने रोटी नहीं नाकी यार दूजो कोई 50 रुपया दे तो वही ना बिन रोकी मत दे कहीं दे रही हो बोले दान दू 50 रुपया मत दे दस तान से ना आई 3 दिन खावा और खोड़ी लागो हाथ करियो दान देना भी हा लेकिन कौन दे सक्यो। इस वास्ते संगत करो तो छोका मीने कर हाथ बैठ दोस्ती करो तो एक ही एक आदमी री करो नुगरारी कामरी कोने। नींद 1 घंटो ही लो सुकरी लो बिना सुकरी नींद 50 घंटा ले लो कोई काम की नहीं। रोटी एक ही जिमो प्रेम की जिमो बिना प्रेम को अन्न खेड़ो काम रो कोने। महात्मा रानी रूपाबाई हुआ अपने भारत में एक संत एक वजन में लिखे हैं